बक्सर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है। युवक की थाने में ही तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। सिमरी थाने का ये पूरा मामला है। युवक के खिलाफ उसके पिता ने ही केस दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि युवक आदतन शराबी था। युवक का नाम राजेश था, वो धनहा गांव का रहने वाला था। आरोप है कि नशे की हालत में वो घर में हंगामा कर रहा था, जिसके बाद उसके पिता ने थाने में इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने जब उसकी जांच कराई तो शराब पीने की पुष्टि हुई, फिर उससे उसे हाजत में बंद कर दिया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। मतलब इनके पिताजी ही आके आवेदन दिए थे, साथ में हमारे आए, मतलब लेके 112 की गाड़ी पे फोन 112 को फ़ोन किया गया था। 112 की गाड़ी गई, इनके पिताजी उस साथ में लेकर, उनके सामने ही टेस्ट किया गया था। इनके पिताजी खुद आवेदन लिख के दिए हैं कि, और बोल रहे थे कि 3-4 महीने इसको सर बंद कर दिया जाए। पिताजी को गाली, हाजत में गाली भी खूब दे रहे थे अपने पिताजी को, वहाँ भी गाली दे रहा था, बोल रहे थे कमाता धमाता नहीं, हम ही कमाते हैं। क्या नाम है इसका? इसका राजेश कुमार प्रसाद खरवार नाम है। और संवाददाता बबलू जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ। बबलू, बक्सर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हुई है। जब युवक की तबीयत खराब थी तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, हाजत में क्यों बंद रखा गया? पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से एक पिता द्वारा अपने पुत्र को शराबी बता करके शिकायत दर्ज कराई जाती है, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके लाती है, जांच के दौरान में शराबी होने की पुष्टि होती है, बावजूद इसके हाजत में बंद करना सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बक्सर के सिमरी थाना की पुलिस द्वारा जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हाजत में तबीयत खराब होने के बाद स्थानीय पीएससी में दिखाया गया, इसके बाद लेकर के बक्सर आया गया जहां उनकी मौत हो गई है, इसके बाद स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आदतन शराबी, जबकि पिता द्वारा इसकी शिकायत की गई, इसके बाद भी जांच के बाद हाजत में बंद करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पुलिस किस तरह से खासकर शराब के नशे में या किसी भी तरह के नशे में जो लोग होते हैं उनको हाजत में रख करके बिना मॉनिटर किए हुए हाजत में रखना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बबलू खबर पर अपडेट के लिए आपका।